ओके, थोड़े दिन पहले मैंने अपनी YouTube कम्युनिटी के अंदर एक पोस्ट डाली थी जिसके अंदर डुअल मॉनिटर सेटअप की एक फोटो थी एंड मैंने उसमें लिखा था कि आप लोगों के मन में डुअल मॉनिटर सेटअप को लेकर जितने भी क्वेश्चंस हैं ना वो सब इस पोस्ट के नीचे कमेंट करके पूछ लो। तो आज इस वीडियो में ना डुअल मॉनिटर सेटअप के बारे में ए टू जेड आप लोगों को सारी नॉलेज दे दूंगा। हो सकता है वीडियो थोड़ी सी लंबी बन जाए बट मुझे पता है कि इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों को डुअल मॉनिटर सेटअप के ऊपर कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर चाहे वो गेमिंग के बारे में हो, स्ट्रीमिंग के बारे में, वीडियो एडिटिंग के बारे में या फिर वॉलपेपर सेट करने जैसा सिंपल काम के बारे में। और भले ही आप लोगों के पीसी के अंदर कोई भी ग्राफिक्स कार्ड लगाओ या एनवीडिया का या फिर एएमडी का या फिर इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स क्यों ना हो, सारी सेटिंग्स आप लोगों को बताऊंगा कि डुअल मॉनिटर सेटअप कैसे करना है। इनफैक्ट इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को यह भी बताने वाला हूं कि क्या आप अपने गेमिंग कंसोल जैसे कि एक प्लेस्टेशन 5 या फिर प्लेस्टेशन 4 के साथ डुअल मॉनिटर सेटअप कैसे कर सकते हो और उसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं, और उसके अलावा लैपटॉप के साथ भी डुअल मॉनिटर सेटअप कैसे करना है ये भी इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। एंड इस वीडियो में बताई जाने वाली ऑलमोस्ट सारी बातें दो से ज्यादा मॉनिटर्स अगर आप यूज करते हो तो उन पर भी अप्लाई होती हैं, जैसे कि ट्रिपल मॉनिटर सेटअप या फिर चार मॉनिटर्स का सेटअप। सबसे पहले बात कर लेते हैं सामग्री की कि आप लोगों को डुअल मॉनिटर या फिर मल्टीपल मॉनिटर सेटअप करने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए होंगी। सबसे पहले ऑब्वियसली आप लोगों को एक से ज्यादा मॉनिटर्स चाहिए होंगे, इस बात से फर्क नहीं पड़ता है कि वो किस पोर्ट से कनेक्ट होते हैं, चाहे वीजीए पोर्ट से, एचडीएमआई पोर्ट से, डिस्प्ले पोर्ट से या फिर डीवीआई पोर्ट से, बल्कि इस बात से भी कोई फर्क नहीं पड़ता है कि जितने भी मॉनिटर्स आप यूज कर रहे हो वो सारे के सारे सेम होने चाहिए, यानी कि उनकी रेजोल्यूशन, रिफ्रेश रेट, साइज, यहां तक कि कनेक्टिंग पोर्ट्स सारे डिफरेंट होंगे तब भी वो साथ में काम करेंगे। आपको सिंपली इतना चेक करना है कि आपके पीसी या फिर लैपटॉप के अंदर कौन कौन से आउटपुट पोर्ट्स हैं और आपके मॉनिटर्स के अंदर कौन कौन से इनपुट पोर्ट्स हैं। अगर वो सेम है तो आप लोगों का काम थोड़ा सा आसान हो जाएगा, अगर वो डिफरेंट है तब भी आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि मार्केट में ऐसे बहुत सारे अडैप्टर्स और कन्वर्टर्स आते हैं जो आप लोगों के अलग अलग पोर्ट्स को सेम बना देंगे। फॉर एग्जाम्पल, हो सकता है कि आपके पीसी के पीछे एक एचडीएमआई पोर्ट हो बट आपके मॉनिटर के अंदर एचडीएमआई पोर्ट ना होकर एक वीजीए पोर्ट हो, तो आप सिंपली एक वीजीए टू एचडीएमआई कन्वर्टर लेकर या फिर एक वीजीए टू एचडीएमआई केबल लेकर उन दोनों चीजों को कनेक्ट कर सकते हो। अगर एक हाई एंड जीपीयू है तो चांसेस है कि उसके अंदर काफी सारे एचडीएमआई पोर्ट्स होंगे या फिर काफी सारे डिस्प्ले पोर्ट्स भी हो सकते हैं। अगर ऐसा है तो आपको सिंपली वो केबल्स या फिर अडैप्टर्स चाहिए होंगे जिसका एक एंड आपके ग्राफिक्स कार्ड के अंदर लग जाए और दूसरा एंड जो है वो आपके मॉनिटर के अंदर लग जाए। दूसरा सिनेरियो पॉसिबल होता है बजट कंप्यूटर्स या फिर लैपटॉप्स के अंदर, इन दोनों ही चीजों में ज्यादातर एक ही डिस्प्ले आउटपुट होता है, फिर चाहे वो वीजीए पोर्ट हो या फिर एचडीएमआई पोर्ट हो या फिर डीवीआई पोर्ट हो। ऐसे केसेस में अगर आप लोग एक से ज्यादा मॉनिटर अटैच करना चाहते हो अपने लैपटॉप या फिर पीसी के साथ तो आप लोगों को यूएसबी टू एचडीएमआई, यूएसबी टू वीजीए या फिर यूएसबी टू डीवीआई पोर्ट्स वाले अडैप्टर्स चाहिए होंगे और वो आपके लैपटॉप या फिर बजट कंप्यूटर के यूएसबी पोर्ट्स के अंदर लग के मॉनिटर्स कनेक्ट करने के लिए आपको अलाउ करेंगे। बट सपोज किसी वजह से अगर आप लोगों को ये अडैप्टर्स नहीं मिलते हैं तो आप सोचते हो कि मैं एक स्प्लिटर ले लेता हूं, स्प्लिटर यानी कि जो एक एचडीएमआई के इनपुट को दो या फिर मल्टीपल आउटपुट्स में डिवाइड कर देता है कुछ इस तरीके से, तो अगर आप लोग सोच रहे हो कि स्प्लिटर के थ्रू भी आप डुअल मॉनिटर सेटअप कर सकते हो तो मेरे पास आपके लिए एक बैड न्यूज है, नहीं आप लोग नहीं कर सकते हो। आप लोग दो मॉनिटर्स को कनेक्ट तो कर पाओगे बट वो दोनों मॉनिटर्स डुप्लीकेट कॉन्फ़िगरेशन यानी कि क्लोन कॉन्फ़िगरेशन में चलेंगे। आप लोग उन दोनों मॉनिटर्स को डिस्प्ले एक्सटेंड करने के लिए यूज नहीं कर सकते हो कि एक मॉनिटर के ऊपर आप एक एप्लीकेशन खोलोगे और दूसरे मॉनिटर के ऊपर आप अलग एप्लीकेशन खोलोगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। एंड यही एग्जैक्ट चीज गेमिंग कंसोल के साथ भी होगा। गेमिंग कंसोल के अंदर मल्टीपल मॉनिटर सेटअप करने का भी सिर्फ यही फायदा है कि आप डिस्प्ले उसको क्लोन कर सकते हो, डुप्लीकेट कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि अगर आप लोग अपनी PS4 या फिर PS5 के साथ दो मॉनिटर्स लगा दोगे तो एक के ऊपर आपकी होम स्क्रीन खुली होगी और एक के ऊपर आपकी गेम चल रही होगी और आप लोग सीमलेसली दोनों जगह पर शफल कर पाओगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो डुअल मॉनिटर सेटअप करने के लिए आप लोगों को ये सारे स्प्लिटर्स या फिर ये सारे कनेक्टर्स और चाहिए ही होंगे, या फिर हो सकता है कि आपको एक मॉनिटर भी चाहिए हो एक्स्ट्रा। तो एक लाइफ हैक बताऊं जिसकी मदद से आप लोगों को ये सारी चीजें बहुत सस्ते में मिल जाएंगी। अगर आप लोग ये सारी चीजें गोपैसा ऐप के थ्रू खरीदते हो ना तो आप लोगों को इन सभी चीजों पर सेल डिस्काउंट्स के अलावा भी एडिशनल कैशबैक मिलता है जिसको आप बाद में अपने बैंक अकाउंट में भी ट्रांसफर कर सकते हो। सबसे पहले आप लोगों को गोपैसा के ऊपर साइन अप करना है, देन उस ऐप को खोल के अपना मनपसंद स्टोर चूज करना है जैसे कि अमेजोन या फिर फ्लिपकार्ट। इस वीडियो के एग्जांपल के लिए मैंने अमेजोन चूज कर लिया है एंड आप देख सकते हो कि यहाँ पर गेट रिवॉर्ड्स का एक ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक करते ही मैं अमेजोन वाली ऐप के अंदर चला जाऊंगा एंड फिर मुझे वैसे ही शॉपिंग करनी है जैसे मैं यूजुअली करता है अमेजोन की ऐप से। उस प्रोडक्ट को परचेज करते ही मुझे कैशबैक का रिवॉर्ड मिल जाएगा एंड उस कैशबैक को मैं 24 to 48 hours के अंदर ट्रैक भी कर सकता हूँ। और बाय चांस अगर मैंने अपने किसी फ्रेंड को गोपैसा ऐप डाउनलोड करवाई और अपने रेफरल कोड के थ्रू उसको साइन अप करवाया तो जब जब उसको कैशबैक मिलेगा तब तक उसके कैशबैक का 10% मुझे भी एज रिवॉर्ड मिलता रहेगा मेरे गोपैसा अकाउंट के अंदर।
और करंटली गोपैसा के ऊपर तो आईफोन 12 का गिव अवे भी चल रहा है भाई। आपको सिर्फ इतना करना है कि मिनिमम एक ट्रांजैक्शन करनी है गोपैसा ऐप के थ्रू और इंस्टाग्राम के ऊपर गोपैसा को टैग करके इन्हें ये बताना है कि आप लोगों ने इनके थ्रू कौन सा प्रोडक्ट खरीदा, और बस इतना ही करने पर आप इस गिव अवे में पार्ट लेने के लिए एलिजिबल हो जाते हो। तो देर किस बात की यार, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के थ्रू फटाफट से गोपैसा ऐप पर साइन अप कर लो। ₹25 का कैशबैक तो स्टार्टिंग में मिलेगा ही मिलेगा, साथ में आईफोन 12 जीतने का मौका भी आप लोगों को मिल सकता है। ऑल द बेस्ट। अब बात कर लेते हैं कि आप लोगों को अपने पीसी के साथ दो मॉनिटर्स कैसे सेटअप करने हैं। डुअल मॉनिटर या फिर मल्टीपल मॉनिटर्स को सेटअप करना बहुत ही इजी है। अगर आप अपने पीसी के साथ सारे मॉनिटर्स कनेक्ट करोगे और पीसी को बूट करोगे तो आपका पीसी अपने आप ही डिटेक्ट कर लेगा कि आपने एक से ज़्यादा मॉनिटर्स लगा रखे हैं और सभी में डिस्प्ले आना शुरू हो जाएगा। या फिर पीसी ऑन कंडीशन में है तब भी आप जैसे ही दूसरा मॉनिटर प्लग इन करोगे अपने आप दूसरे मॉनिटर के अंदर भी डिस्प्ले आ जाएगी। सपोज नहीं आती है अगर किसी वजह से, तो चांसेस हैं कि या तो उस मॉनिटर के अंदर ही कुछ खराबी है या फिर जो आपने केबल या फिर कन्वर्टर यूज़ किया है उसको अपने पीसी के साथ कनेक्ट करने के लिए उसमें भी कोई प्रॉब्लम हो सकती है। अब आपने ये मेक श्योर कर लिया कि दोनों मॉनिटर्स के अंदर पावर आ गई है, दोनों मॉनिटर्स के अंदर डिस्प्ले भी आ गई है, पर सॉफ्टवेयर के अंदर भी अभी भी काफ़ी सारा काम बाकी है। सपोज आप चाहते हो कि एक मॉनिटर की रेजोल्यूशन चेंज करनी है, रिफ्रेश रेट चेंज करना है, या फिर HDR की सेटिंग्स ऑन ऑफ करनी है, या फिर ये भी हो सकता है कि दोनों मॉनिटर्स ढंग से अलाइन नहीं है। तो इसीलिए फटाफट से बात कर लेते हैं सभी सेटिंग्स के बारे में जो कि आपको सॉफ्टवेयर के अंदर यानी कि विंडोज के अंदर करनी होती हैं। तो इस काम को करने के ना तीन तरीके होते हैं। सबसे पहला विंडोज़ की सेटिंग्स के थ्रू ही, दूसरा अगर आपके पास एक NVIDIA का GPU है, ग्राफिक्स कार्ड है, तो उनकी सेटिंग्स के थ्रू, या फिर तीसरा ऑब्वियसली अगर आपके पास एक AMD का ग्राफिक्स कार्ड है तो उनकी सेटिंग्स के थ्रू भी आप ये काम कर सकते हो। तीनों ही सेटिंग्स का जो UI है, जो यूजर इंटरफेस है, उनमें माइनर से डिफरेंसेस होते हैं, बट मोर और लेस जो बेसिक काम है वो सेम ही होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को राइट क्लिक करना है अपने डेस्कटॉप के ऊपर, एंड यहाँ पर आप देख सकते हो पर्सनलाइज के ठीक ऊपर डिस्प्ले सेटिंग्स आ जाती हैं। इसके अंदर जाते ही आप लोगों को एक सेटअप मल्टीपल डिस्प्लेज का ऑप्शन दिखेगा, एंड उसके अंदर जाकर आप लोगों को दोनों डिस्प्लेज यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगी। और अगर आप लोगों ने दो से ज्यादा डिस्प्लेज लगा रखी हैं तो वो सभी डिस्प्लेज इसी पैनल के अंदर आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएंगी। अब सबसे बढ़िया बात यह है इन सेटिंग्स मेन्यूज के बारे में कि आप लिटरली सिर्फ होल्ड करके, अपने माउस पॉइंटर से होल्ड करके इन डिस्प्लेज को हिला सकते हो, एंड रियल टाइम में भी जो डिस्प्लेज की अलाइनमेंट है वो चेंज हो जाएगी। बस आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि जब आप दोनों डिस्प्लेज को एक साथ यूज करोगे तो कोई भी फाइल फोल्डर दोनों मॉनिटर्स के बीच में मूव करते वक्त बिल्कुल सीमलेस ही लगना चाहिए जब वो उन दोनों के मिडल में होगा, यानी कि बेजल्स पे होगा। अगर आप लोगों को एक मॉनिटर के ऊपर वो विंडो थोड़ी सी नीचे दिख रही है और दूसरे के ऊपर थोड़ी सी ऊपर दिख रही है, तो ये विंडोज की सेटिंग्स के अंदर जाकर आप सिंपली उस डिस्प्ले को होल्ड करो और ऊपर या नीचे कर लो, सो दैट आपकी जो विंडोज या फिर फाइल फोल्डर्स हैं वो जब इस कंजंक्शन में हो दोनों मॉनिटर्स की तो वो बिल्कुल सीमलेसली दिखें। अप एंड डाउन एडजस्ट करने के अलावा आप लोग मॉनिटर्स को लेफ्ट एंड राइट भी एडजस्ट कर सकते हो, और ये सेटिंग करना बहुत आसान होता है। इस सेटिंग को करने के लिए आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि जो रियल में आप लोगों ने मॉनिटर राइट में रखा हुआ है इस सेटिंग पैनल के अंदर, वही मॉनिटर राइट में होना चाहिए, और जो आपने रियल में लेफ्ट में रखा हुआ है वही मॉनिटर इस सेटिंग पैनल के अंदर भी लेफ्ट में ही होना चाहिए। अदरवाइज अगर आप लोग ऐसे नहीं करते हो तो आप देख सकते हो कि जैसे ही मैं अपने राइट वाले मॉनिटर के एकदम एक्सट्रीम राइट में कोई विंडो या फिर फाइल फोल्डर को लेकर जाता हूं तो वो दूसरे मॉनिटर के अंदर स्पॉन हो जाती है लाइक अ पोर्टल, बट ऐसा नहीं होना चाहिए ऑब्वियसली। तो इसीलिए अगर आप लोग अपने राइट वाले मॉनिटर को राइट डिस्प्ले की तरह ही सेट करोगे, एंड उसके बाद अगर आप किसी फाइल या फिर फोल्डर को पकड़ के एकदम एक्सट्रीम राइट कॉर्नर पे या राइट एज में लेकर जाओगे तो वहीं पे रुक जाना चाहिए, ना कि दूसरे मॉनिटर के अंदर स्पॉन हो जाना चाहिए। यही सेटिंग्स आप लोग NVIDIA कंट्रोल पैनल के अंदर भी कर सकते हो, स्टेप्स वही रहेंगे। अगर आपके पास एक NVIDIA का GPU है तो डेस्कटॉप के ऊपर राइट क्लिक करते ही आप लोगों को एक अलग से NVIDIA कंट्रोल पैनल का ऑप्शन भी दिखेगा, उसके अंदर जाकर भी आप लोगों को लेफ्ट हैंड साइड में सेटअप मल्टीपल डिस्प्लेज का ऑप्शन दिख जाएगा। उस ऑप्शन के अंदर एंटर करते ही आप लोगों को समझ आ जाएगा कि जिस तरीके से आपने अभी विंडोज की सेटिंग्स में दोनों ही डिस्प्लेज को पकड़ के ऊपर नीचे या फिर लेफ्ट राइट मूव किया था, सिमिलरली इस वाले पैनल के अंदर भी आप बिल्कुल वही चीज कर सकते हो। मेरे एक्सपीरियंस में मैंने ये नोटिस किया कि विंडोज की सेटिंग्स में जाकर जब मैं ये काम कर रहा था डिस्प्ले सेटिंग्स में जाकर, तब मुझे थोड़ा ज्यादा प्रिसीजन फील हुआ एज कम्पेयर टू NVIDIA की सेटिंग्स के अंदर। तो मेरे हिसाब से अगर आपके पास एक डेडिकेटेड GPU है, चाहे NVIDIA का या फिर AMD का, तब भी आप लोग जो विंडोज की डिफॉल्ट सेटिंग्स पैनल होता है उसी के अंदर जाकर इन डिस्प्लेस को परफेक्टली अलाइन करना, क्योंकि वहां पर आपको प्रिसीजन जो है वो थोड़ा सा ज्यादा मिल जाता है डेडिकेटेड GPU सेटिंग्स के मुकाबले।
विंडोज की इन डिफॉल्ट सेटिंग्स को यूज करके आप ऑलमोस्ट सभी कुछ कर सकते हो जो कि मल्टीपल डिस्प्लेज को सेटअप करने के लिए करना होता है। मतलब कि आप किसी एक डिस्प्ले को प्राइमरी या फिर सेकेंडरी बना सकते हो। प्राइमरी और सेकेंडरी बनाने से ये फायदा होता है कि सपोज आप लोग अपने लेफ्ट वाले मॉनिटर को अगर प्राइमरी बनाते हो तो आपका जो भी स्टार्ट मेन्यू और जो सर्च बार होता है, मतलब जो भी टास्क बार होता है ना, वो आपके लेफ्ट वाले मॉनिटर के ऊपर ही आएगा, या फिर कोई नई विंडो खुलेगी तो वो भी प्रेफरेबली लेफ्ट वाले मॉनिटर के ऊपर ही खुलेगी। बट अगर आप लोग अपने राइट वाले मॉनिटर को प्राइमरी बनाते हो तो ये सारे के सारे काम राइट वाले मॉनिटर के ऊपर ही होंगे। तो आप लोग अपने हिसाब से दोनों में से किसी को भी प्राइमरी या सेकेंडरी बना सकते हो, जहां पर आप ज्यादा कंफर्टेबल फील करो। किसी एक मॉनिटर को ऑफ या ऑन भी कर सकते हो अपनी जरूरत के हिसाब से, या फिर किसी एक पर्टिकुलर डिस्प्ले की रेजोल्यूशन, उसका रिफ्रेश रेट, HDR ऑन ऑफ, ये सारी सेटिंग्स भी आप कर सकते हो। उसके अलावा सभी डिस्प्लेस की इंडिविजुअली आप ओरिएंटेशन भी चेंज कर सकते हो, यानी कि लैंडस्केप रखना या फिर पोर्ट्रे रखना, या फिर फ्लिप भी कर सकते हो इनफैक्ट, या फिर आप दोनों डिस्प्लेस को क्लोन भी कर सकते हो। क्लोन करने का मतलब ये कि जो काम एक डिस्प्ले के ऊपर हो रहा होगा वही सेम काम, वही सेम प्रोग्राम दूसरी डिस्प्ले के ऊपर भी रन हो रहा होगा। जो एक्शन आप एक डिस्प्ले के ऊपर करोगे वही सेम एक्शन दूसरी डिस्प्ले के ऊपर भी होगा। तो ये सारे काम तो आप विंडोज की डिफॉल्ट सेटिंग्स में कर ही सकते हो, सिवाय एक चीज के, और वो है दोनों ही डिस्प्लेस को एज अ सिंगल डिस्प्ले यूज करना। यानी कि आपका पीसी दोनों ही मॉनिटर्स को अलग अलग मॉनिटर्स या फिर डिस्प्लेस ना कंसिडर करके सिर्फ एक डिस्प्ले की तरह, एक वाइड डिस्प्ले की तरह ही ट्रीट करे, और कोई भी एप्स या फोल्डर्स आप अगर खोलो तो वो दोनों में फैल कर स्पैन होकर खुले, चाहे फिर वो गेम्स हो या फिर कोई फाइल फोल्डर्स हो या फिर कोई और एप्लीकेशंस हो। तो जैसा कि मैंने कहा कि आप विंडोज की डिफॉल्ट सेटिंग्स में ये चीज अचीव नहीं कर सकते हो, तो अगर आपके पास एक एनवीडिया का जीपीयू है तो आप लोगों को एनवीडिया कंट्रोल पैनल के अंदर जाकर मल्टीपल डिस्प्ले सेटअप करने वाले मेन्यू के अंदर जाना होगा, और वहां पर आप लोगों को एनवीडिया सराउंड नाम की सेटिंग्स दिखेंगी। उस सराउंड सेटिंग के अंदर जाकर आप लोग सभी कुछ कन्फिगर कर सकते हो। कुछ भी इतना डिफिकल्ट नहीं है जो आप लोगों को देखकर समझ नहीं आएगा। बहुत ही लेमैन्स लैंग्वेज में वहां पर सारे मेन्यू दिए गए हैं, एंड आप इजीली समझ जाओगे कि अगर आप लोगों को दो या फिर दो से ज्यादा डिस्प्लेस को एक ही डिस्प्ले की तरह ट्रीट करवाना है अपने पीसी को, तो आप लोगों को क्या सेटिंग्स चूज करनी चाहिए, और उन्हीं सेटिंग्स की थोड़ी सी एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग में आप लोगों को यहां पर दिखा भी रहा हूं। और इन सराउंड सेटिंग्स की मदद से ना जो दोनों डिस्प्लेज हैं उनकी रेजोल्यूशन कंबाइंड हो जाती है। तो इसका मतलब अगर आपके पास जो दो मॉनिटर्स हैं उन दोनों की रेजोल्यूशन 1920x1080p है, यानी कि फुल HD है, और अगर आपने उन दोनों को साइड बाय साइड सेट कर रखा है लैंडस्केप ओरिएंटेशन में, तो उन दोनों की कंबाइंड रेजोल्यूशन बन जाएगी 3840x1080। इसका मतलब कि जो विड्थ वाइज उनकी रेजोल्यूशन है वो डबल हो गई, 1920x2 विच इज 3840, बट जो हाइट वाइज रेजोल्यूशन है वो सेम की सेम रही, यानी कि 1080p। सिमिलरली अगर आप लोगों के पास एक AMD का GPU है तो आप लोगों को AMD की Infinity सेटिंग्स के अंदर जाना पड़ेगा, एंड वहां पर भी आप लोग सिमिलर मेन्यूज की मदद से मल्टीपल डिस्प्लेस को एक सिंगल डिस्प्ले की तरह ट्रीट करवा सकते हो अपने PC को। और इतना ही नहीं, इन सेटिंग्स के थ्रू आप लोग इन दोनों डिस्प्लेस को लेफ्ट राइट ओरिएंटेशन के अलावा अप डाउन ओरिएंटेशन में भी सेट कर सकते हो, अगर आप लोगों ने रियल लाइफ में भी एक के ऊपर एक मॉनिटर रखा हुआ है तो। और उस सिनेरियो में जो दोनों डिस्प्लेस की कंबाइंड रेजोल्यूशन होगी वो हाइट के हिसाब से डबल हो जाएगी बट विड्थ के हिसाब से सेम रहेगी। यानी कि सपोज अगर आप लोगों के पास दोनों ही फुल HD मॉनिटर्स हैं तो दोनों को ऊपर नीचे सेट करने पर जो उनकी कंबाइंड रेजोल्यूशन होगी वो होगी 1920x2160। अब एनवीडिया सराउंड या फिर AMD Infinity सेटिंग्स को यूज करते वक्त आपके मन में एक डाउट ये भी आ सकता है कि क्या होगा अगर दोनों ही मॉनिटर्स डिफरेंट हैं एक दूसरे से। सपोज एक मॉनिटर जो है फुल HD है और दूसरा 2K मॉनिटर है, या फिर एक मॉनिटर का रिफ्रेश रेट 60Hz है और दूसरे का 144Hz है, उस केस में क्या होगा। तो उस केस में अगर आप एनवीडिया सराउंड या फिर AMD Infinity सेटिंग्स के थ्रू दोनों ही मॉनिटर्स को एक सिंगल डिस्प्ले की तरह यूज करना चाह रहे हो तो जो कम वाली स्पेसिफिकेशंस है ना उनके ऊपर ही दोनों मॉनिटर सेट हो जाएंगे। यानी कि अगर एक मॉनिटर 2K है और दूसरा वाला फुल HD है तो दोनों ही मॉनिटर्स की जो इंडिविजुअल रेजोल्यूशन है वो फुल HD हो जाएगी, यानी कि 1920x1080, और कंबाइंड रेजोल्यूशन हो जाएगी 3840x1080। और सपोज एक मॉनिटर का रिफ्रेश रेट जो है वो 60Hz है और दूसरे का 144Hz, तो दोनों ही मॉनिटर 60Hz पर चलेंगे। यानी कि सभी सिनेरियोज में जो लोअर स्पेसिफिकेशन वाला मॉनिटर है वही डोमिनेटिंग रहेगा। तो डुअल मॉनिटर सेटअप तो आप लोगों ने कर लिया, अब समस्या ये आती है कि यार अगर हम कोई भी एप्लीकेशन रन करते हैं या फिर वॉलपेपर भी सेट करते हैं तो दोनों मॉनिटर सिंक में कैसे काम करेंगे। जैसे कि इस वक्त मेरे पीछे आप देख सकते हो कि मैंने एक बैटमैन थीम का लाइव वॉलपेपर लगा रखा है जिसमें हाफ साइड बैटमैन का फेस है और हाफ साइड जोकर का फेस है। तो ये लुक मैंने कैसे अचीव करी, क्या मैंने मैनुअली सेटिंग करी या फिर ऑटोमेटिकली मैंने ये ऐसा वॉलपेपर डाउनलोड कर लिया और उसको सिंपली सेट कर दिया। तो अब मैं आप लोगों को ये सारे डाउट्स क्लियर कर देता हूं कि अलग अलग एप्स और वॉलपेपर सेटिंग के टाइम पर डुअल मॉनिटर्स को आप लोगों ने कैसे एफिशिएंटली यूज करना है।
तो सबसे पहले वॉलपेपर्स के बारे में ही बात कर लेते हैं। वॉलपेपर सेट करना बहुत इजी काम है, डुअल मॉनिटर या फिर मल्टीपल मॉनिटर सेटअप के अंदर भी। आप लोगों को सिंपली ये जानना है कि आपके मॉनिटर्स की कंबाइंड रेजोल्यूशन क्या होगी। फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ पर दो 1080p रेजोल्यूशन वाले मॉनिटर्स यूज कर रहा हूँ, यानी कि 1920x1080p रेजोल्यूशन वाले मॉनिटर्स, और उनको मैंने लैंडस्केप ओरिएंटेशन में रखा हुआ है। इसका मतलब कि मेरे दोनों मॉनिटर्स की कंबाइंड रेजोल्यूशन हो गई 1920x2, यानी कि 3840x1080। तो इसी रेजोल्यूशन के, यानी कि 3840x1080 रेजोल्यूशन के वॉलपेपर्स मैं गूगल या फिर अपने प्रेफर्ड सोर्स से डाउनलोड कर लूंगा और उनको सिंपली राइट क्लिक करके सेट एज डेस्कटॉप बैकग्राउंड सेट कर दूंगा, और बहुत अच्छे से बहुत सुंदर तरीके से वो वॉलपेपर सेट हो जाएंगे। बट सपोज जिस इमेज को आप वॉलपेपर की तरह सेट करना चाहते हो उसकी रेजोल्यूशन 3840x1080 नहीं है, तब आप लोग विंडोज की पर्सनलाइज वाली सेटिंग्स में जाकर, यानी कि डेस्कटॉप के ऊपर राइट क्लिक करके जो पर्सनलाइज का ऑप्शन आता है उस वाले मेन्यू के अंदर जाकर आप लोग फिट एंड फिनिश डिसाइड कर सकते हो अपनी इमेज की, यानी कि उसको फिट कर सकते हो, स्पैन कर सकते हो, स्ट्रेच भी कर सकते हो। बट हो सकता है कि वो जो फिटिंग है वो इतनी परफेक्ट ना आए जितनी आपकी जो रेजोल्यूशन है उसके हिसाब से डाउनलोड किए गए वॉलपेपर की आएगी। अब चलते हैं वॉलपेपर इंजन की तरफ। वॉलपेपर इंजन भी अपने आप में काफ़ी स्मार्ट ऐप है, और जैसे ही आप लोग मल्टीपल डिस्प्लेज अटैच करते हो अपने पीसी के साथ तो आप देख सकते हो कि बाय डिफॉल्ट वॉलपेपर इंजन को स्टार्ट करते ही वो अपने आप डिटेक्ट कर लेता है कि आपने एक से ज़्यादा डिस्प्लेज को अटैच कर रखा है, और स्टार्टिंग में ही एक पॉपअप आ जाता है कि कौन से मॉनिटर के लिए कौन सा वॉलपेपर चूज करना है, या फिर आप चाहते हो कि एक ही वॉलपेपर को दोनों मॉनिटर्स के ऊपर स्ट्रेच या फिर स्पैन किया जाए। अब इसके अंदर भी थोड़ी सी मेहनत आप लोगों को करनी पड़ेगी अच्छे वॉलपेपर्स ढूंढने के लिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सारे वॉलपेपर्स दोनों डिस्प्लेज के ऊपर जब आप एक साथ स्पैन करोगे तो सुंदर ही लगेंगे। वॉलपेपर इंजन के ऊपर आप लोगों को बहुत बड़ी कलेक्शन मिल जाएगी ऐसे वॉलपेपर्स की जो स्पेसिफिकली डुअल मॉनिटर सेटअप के लिए ही बनाए गए हैं, तो आप या तो वो डाउनलोड कर सकते हो या फिर आपके पास जो एग्जिस्टिंग वॉलपेपर्स हैं उनको आप ट्राई करके देख सकते हो कि अगर आप दो डिस्प्लेज के अंदर उस वॉलपेपर को स्पैन करोगे तो उसकी लुक अच्छी आएगी या फिर नहीं आएगी। और ये हिट एंड मिस वाला सीन होता है, कई कई वॉलपेपर्स जो डुअल मॉनिटर्स के लिए नहीं बने होते वो भी डुअल मॉनिटर सेटअप के अंदर बहुत अच्छे लगते हैं, और कई कई वॉलपेपर्स जो हैं वो सिंपली स्ट्रेच आउट हो जाते हैं जिससे कि वो भद्दे लगते हैं, सुंदर नहीं लगते हैं। वॉलपेपर इंजन के अंदर आप एक चीज और भी कर सकते हो, वो ये कि दोनों ही मॉनिटर्स के अंदर इंडिविजुअली अलग अलग वॉलपेपर्स लगा सकते हो, एंड ये करने का ऑप्शन भी आप लोगों को स्टार्टिंग में ही मिल जाता है। बाय चांस अगर आप लोग स्टार्टिंग में वो चीज नहीं कर पाते हो तब भी घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आप लोगों को वॉलपेपर इंजन के ऊपर टॉप बार में ही चूज डिस्प्ले का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है, जिसको क्लिक करते ही वो पूरा का पूरा मेन्यू दोबारा से ओपन हो जाएगा एंड आप अपनी मर्जी से इंडिविजुअल डिस्प्लेज में अलग अलग वॉलपेपर सेट कर सकते हो। अब अगर मैं बात करता हूँ कंटेंट क्रिएटर फोकस्ड ऐप्स के बारे में, जैसे कि एडोबी प्रीमियर प्रो वीडियो एडिटर हो गया या फिर OBS स्क्रीन रिकॉर्डर और स्ट्रीमिंग सर्विस वाला प्लेटफॉर्म हो गया, तो इन ऐप्स के अंदर स्पेसिफिकली डुअल मॉनिटर सेटअप का बहुत फायदा होता है, क्योंकि आप सिंपली जो प्रीव्यू विंडो होती है जहां पर आपकी वीडियो चल रही होती है या फिर डेस्कटॉप का लाइव प्रीव्यू दिख रहा होता है, आप उसको सिंपली होल्ड करके और ड्रैग एंड ड्रॉप करके दूसरे मॉनिटर के ऊपर, यानी कि जो आपका सेकेंडरी मॉनिटर है उसके ऊपर ड्रैग करके छोड़ देते हो, एंड आप एक डिस्प्ले के ऊपर तो अपनी टाइमलाइन देख सकते हो और दूसरे डिस्प्ले के ऊपर जो भी उसके अंदर इफेक्ट्स ऐड करने हो, कट करना हो, क्रॉप करना हो, ट्रांसफॉर्म करना हो, सब कुछ करते हुए उसका रियल टाइम इफेक्ट भी दूसरे मॉनिटर के ऊपर देख सकते हो। सिमिलरली स्ट्रीमिंग करते टाइम तो इसका बहुत फायदा है भाई, आप एक मॉनिटर के अंदर अपना OBS खोल लो और दूसरे मॉनिटर के अंदर अपना गेम खोल लो। सिमिलरली आप चैट का ऑप्शन भी उसी विंडो पर खोल सकते हो जहां पर आपने OBS खोल रखा है। इससे फायदा ये होगा कि आप गेम खेलते खेलते देख भी सकोगे कि आपकी जो स्ट्रीम सर्विस है वो सही से चल रही है या फिर नहीं, और OBS के अंदर कोई लैग या परेशानी तो नहीं आ रही है। बस ये ध्यान रखना कि OBS के अंदर आप लोगों को दोनों मॉनिटर में से एक मॉनिटर चूज करना होगा, तो आप वही वाला मॉनिटर चूज करना जिसके अंदर गेम चल रही है, ना कि OBS। अब ये तो बात हो गई उस सिनेरियो की जब आपका जो पीसी है वो दोनों ही मॉनिटर्स को इंडिविजुअल डिस्प्लेस की तरह ट्रीट करेगा, बट अगर हम वो वाला सिनेरियो लेकर चलते हैं जब आप दोनों ही मॉनिटर्स को एक सिंगल डिस्प्ले की तरह यूज कर रहे हो, यानी कि एनवीडिया सराउंड या फिर AMD आईफिनिटी सेटिंग्स यूज करके दोनों ही मॉनिटर्स को कंबाइंड डिस्प्ले की तरह यूज कर रहे हो, तब आपकी जो भी ऐप्स होंगी वो बाय डिफॉल्ट उसी रेजोल्यूशन के हिसाब से ही ओपन होगी, और जो ऐप्स उस रेजोल्यूशन को सपोर्ट करती होंगी वो पूरी डिस्प्ले के ऊपर अपने आप ही स्पैन हो जाएंगी, और जो ऐप्स उस रेजोल्यूशन को सपोर्ट नहीं करती होंगी वो दोनों ही डिस्प्लेज के बीचों बीच खुल जाएंगी, यानी कि डिवाइड हो जाएंगी दोनों डिस्प्लेज में, और वो देखने में इतना प्लेजेंट नहीं लग सकता। लेफ्ट और राइट दोनों ही एजेस पर बहुत बड़े बड़े थिक ब्लैक बेजल्स बन जाएंगे, जो कि एक नॉन यूजेबल स्पेस होगी, बिल्कुल वेस्ट होगी।
और उसके अलावा अगर हम गेमिंग की बात भी करते हैं ना, तो कई लोगों को ये थॉट बड़ा ही इंटिमिडेटिंग लगता है कि दो डिस्प्लेस पर हम फैलाकर गेमिंग करेंगे स्पैन करके, तो बहुत मजा आएगा और शायद इमर्शन का लेवल बढ़ जाएगा। बट माय फ्रेंड्स, आई हैव अ बैड न्यूज फॉर यू, ऐसा नहीं होता है। खासकर जब आप सिर्फ दो डिस्प्लेस यूज कर रहे हो तो हर गेम का जो क्रॉस हेयर होता है, यानी कि एम करने के लिए जो एक प्लस वाला साइन होता है, वो दोनों बेजल्स के ऊपर आता है, यानी कि जहां पर दोनों स्क्रीन के बेजल्स टकराते हैं, जो मिडिल पॉइंट होता है दोनों मॉनिटर्स का, वहां पर वो क्रॉस हेयर आ जाता है, जिसकी मदद से आप लोग किसी भी वेपन से या फिर किसी भी तरीके से एम नहीं कर सकते हो। और ये ऑब्वियसली एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज हो सकता है उन लोगों के लिए जो ई स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करते हैं, जो फर्स्ट पर्सन शूटर गेम्स या फिर बैटल रॉयल गेम्स खेलना चाहते हैं। अगर आप लोग दो से ज्यादा डिस्प्लेज यूज कर रहे हो तब जो गेम्स हैं वो बहुत अच्छे से स्पैन होती हैं, और जो बीच वाला मॉनिटर होता है वो गेमिंग के लिए यूज हो जाता है, और आसपास वाले मॉनिटर जो हैं वो इमर्शन इफेक्ट को बढ़ाने का काम करते हैं। अब बात कर लेते हैं डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। फॉर एग्जाम्पल, मैंने यहाँ पर सेम कॉन्फ़िगरेशन में मॉनिटर्स रखे हुए हैं, दोनों ही लैंडस्केप में है, बट हो सकता है कि आप लोग एक मॉनिटर को पोर्ट्रेट में और दूसरे को लैंडस्केप में यूज करो, तो उस केस में क्या क्या सेटअप करना होता है सॉफ्टवेयर में भी और हार्डवेयर में, वो सब मैं आपको बताता हूँ। तो अगर आप लोग अपने किसी भी मॉनिटर को पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन में सेटअप करना चाहते हो, तो आप लोगों को उसके लिए जनरली एक अलग से मॉनिटर आर्म या फिर स्टैंड चाहिए होगा, जिसके अंदर एक वीसा माउंट हो, और आपके मॉनिटर के पीछे भी वीसा माउंट कंपैटिबिलिटी होनी चाहिए, जिसकी वजह से आप लोग स्क्रूज की हेल्प से अपने मॉनिटर को पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन में लगा सको। पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन में खड़ा करने के बाद सॉफ्टवेयर में क्या स्टेप्स करने हैं इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो आप ये काम भी तीन तरीके से कर सकते हो, विंडोज सेटिंग्स के थ्रू, एनवीडिया की सेटिंग्स के थ्रू और एएमडी की सेटिंग्स के थ्रू। और पहले की तरह तीनों ही मेन्यूज के अंदर सिमिलर ऑप्शंस होंगे, जहां पर आप लोगों को सेटिंग्स करना बहुत इजी है। आपको सिर्फ उस मॉनिटर को सिलेक्ट करना है जिसको आपने पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन में खड़ा किया है, एंड उसकी जो ओरिएंटेशन है उसको लैंडस्केप से हटाकर पोर्ट्रेट में कर देना है, दैट इज इट। उसके अलावा बाकी सब काम जो विंडोज की सेटिंग्स हैं या फिर जो एनवीडिया की सेटिंग्स हैं वो अपने आप ही कर देंगी, अपने आप अलाइनमेंट हो जाएगी, आपको कोई और चीज करने की नीड नहीं है। और हाँ, पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन में सेटअप करने के बाद ना वॉलपेपर इंजन के अंदर काफी सारे ऐसे वॉलपेपर मुझे देखने के लिए मिले जिसको इस कॉन्फ़िगरेशन में सेटअप करने में ना वो बहुत अमेजिंग लग रहे थे। जैसे कि गॉड ऑफ वॉर वाला जो वॉलपेपर है, ये स्पेसिफिकली मुझे बहुत अमेजिंग लग रहा था, क्योंकि यहाँ पर जो लिफ्ट में आप बड़ा सा ये जो भी दानव वानव है, मुझे कैरेक्टर का नाम नहीं पता, ये पोर्ट्रेट मॉनिटर के अंदर पूरा खड़ा हुआ अच्छा लग रहा है। और राइट वाले मॉनिटर के ऊपर आप देख सकते हो कि क्रेटोस है यहाँ पर, जो कि एक्स लेकर उसको मारना चाह रहा है, तो ये एक सेटअप मुझे बहुत अमेजिंग लगा। उस कम्युनिटी पोस्ट के नीचे एक कमेंट ये भी था कि डुअल मॉनिटर सेटअप का अल्टरनेटिव क्या है, एक चीपर अल्टरनेटिव बताओ। तो चीपर अल्टरनेटिव यही हो सकता है कि आप लोग एक सिंगल वाइड मॉनिटर ले सकते हो, अल्ट्रा वाइड मॉनिटर, जिसके अंदर आप लोगों को काफी बड़ी स्क्रीन मिल जाती है और आप लोग अपनी अलग अलग विंडोज एक ही स्क्रीन के ऊपर खोल के काफी सारा मल्टीटास्किंग वाला काम कर सकते हो। बट ऑब्वियसली वो फंक्शनैलिटी जो है वो थोड़ी सी लिमिटेड होगी एज कम्पेयर टू डेडिकेटेड डुअल मॉनिटर सेटअप। एक बहुत इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन मेरी उस यूट्यूब कम्युनिटी पोस्ट के अंदर एक भाई ने कमेंट किया हुआ था कि दो मॉनिटर रखने के बाद जो ये बीच में बॉर्डर या फिर बेजल आ जाता है, इसको रिमूव कैसे करते हैं। तो इसको रिमूव करने के लिए भी एक जेन्युइन प्रोडक्ट आता है, मैं ट्राई करूंगा कि अगर मुझे अमेज़न पर मिलता है तो मैं उसका लिंक छोड़ दूं। वो बेसिकली एक ट्रांसपेरेंट सा एक्रेलिक मटेरियल होता है जिसको बीच में रखने के बाद और कुछ सेटिंग्स करने के बाद आप लोगों को ऐसी इल्यूजन होती है कि दोनों मॉनिटर्स के बीच में बिल्कुल भी गैप या फिर बेजल नहीं है और ये सीमलेसली एक ही मॉनिटर की तरह दिखता है। एक भाई ने ये भी कमेंट कर रखा था कि इस चीज के डिसएडवांटेजेस क्या हैं। देखो, अगर आप लोगों को डुअल मॉनिटर सेटअप की नीड है और आपके वर्क फ्लो को वो चीज इजी करती है, तो जो डिसएडवांटेजेस मैं बताने वाला हूं ना, ये काफी छोटे लगेंगे आपको, काफी माइनर से लगेंगे। बट अगर आप लोगों को सिर्फ शौकिया तौर पर डुअल मॉनिटर सेटअप या फिर मल्टीपल मॉनिटर सेटअप करना है, किसी को देखकर इंस्पायर हो रहे हो, किसी यूट्यूबर को देखकर इंस्पायर हो रहे हो, तो आई थिंक आप लोगों को डिसएडवांटेजेस को सीरियसली कंसीडर करना चाहिए और अपने आप से पूछना चाहिए कि क्या आप लोगों को डुअल मॉनिटर सेटअप करने की जरूरत है या फिर नहीं। तो सबसे पहला नुकसान, एक सिंगल मॉनिटर सेटअप के मुकाबले डुअल मॉनिटर सेटअप आप लोगों को ऑब्वियसली एक्सपेंसिव ही पड़ेगा। दूसरा नुकसान ये कि आपके कंप्यूटर के जो रिसोर्सेज हैं वो ज्यादा यूज होने शुरू हो जाएंगे। हाँ, डबल तो नहीं यूज होंगे जितने पहले होते थे, बट ऑब्वियसली आप लोगों के जीपीयू या फिर इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स को थोड़ा ज्यादा काम तो करना ही पड़ेगा पहले के मुकाबले। तीसरा नुकसान ये कि हो सकता है आपके गेमिंग डेस्क के ऊपर दो मॉनिटर्स या फिर मल्टीपल मॉनिटर्स रखने की जगह ही ना हो और आप लोगों को एक सेपरेट डेस्क खरीदना पड़े दो मॉनिटर रखने के लिए या फिर कोई और जुगाड़ करना पड़े, और अगर बाय चांस आपका डेस्क छोटा है तो वो और क्लटर लगेगा पहले से। चौथा नुकसान तब होगा जब आप जो नया मॉनिटर लेना चाह रहे हो वो आपके एग्जिस्टिंग मॉनिटर से मैच नहीं करता है। हो सकता है कि जो आपके पास एग्जिस्टिंग मॉनिटर हो उसका मॉडल डिसकंटिन्यू हो चुका हो या फिर उसका स्टॉक ही अवेलेबल ना हो, तो उस सिनेरियो में आप लोगों को एक सेपरेट मॉडल के साथ जाना पड़ेगा या फिर एक सेपरेट ब्रांड के साथ भी जाना पड़ सकता है, जिसकी वजह से हो सकता है कि आप लोगों को दोनों मॉनिटर्स के डिस्प्ले में काफी डिफरेंस देखने के लिए मिले, खासकर कलर एक्यूरेसी।
पीसी में। डिफरेंट मॉडल्स के मॉनिटर्स को पेयर अप करने के टाइम पर यह दिक्कत भी आ सकती है कि हो सकता है एक मॉनिटर के साथ जो स्टैंड मिला है उसकी हाइट दूसरे मॉनिटर के स्टैंड से ना मिलती हो, छोटा हो या फिर बड़ा हो। मेरे पास जो प्राइमरी मॉनिटर है वो एलजी का 24 इंचेस मॉनिटर है और जो दूसरा मॉनिटर है वो एक न्यूली लॉन्च्ड गीगाबाइट की तरफ से आने वाला G24F 24 इंचेस का गेमिंग मॉनिटर है। एंड बाय चांस इसके अंदर एक ऐसा स्टैंड मिलता है साथ में जिसमें आप हाइट एडजस्ट कर सकते हो, तो इसलिए मैंने दोनों मॉनिटर्स की हाइट सेम रखी हुई है। बट हो सकता है कि जो मॉनिटर आप ले रहे हो उसके साथ एक ऐसा स्टैंड ना मिले, फिर आप लोगों को एक अलग से मॉनिटर आर्म लेनी पड़ेगी या स्टैंड लेना पड़ेगा वीसा माउंट कंपैटिबल वाला, जिसकी कॉस्ट भी आपके ओवरऑल सेटअप के अंदर ऐड हो जाएगी, यानी कि और एक्सपेंसिव पड़ जाएगा आपको फिर वो। तो ह्यूज शाउट आउट गीगाबाइट वाला मॉनिटर मुझे भेजने के लिए। मेरे हिसाब से जो आखिरी नुकसान हो सकता है डुअल मॉनिटर सेटअप का या फिर मल्टी मॉनिटर्स को सेटअप करने का वो ये कि आपके घर की बिजली का बिल भी ज्यादा आना शुरू हो जाएगा क्योंकि पावर कंजम्पशन बढ़ जाएगी। फाइनली कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी आंसर कर देता हूं जो मैंने इंटरनेट के ना तो किसी फोरम के ऊपर और ना ही किसी वीडियो के ऊपर आंसर होते हुए देखे हैं, बट मुझे पक्का पता है कि वो ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कॉमनली काफी लोगों के मन में आते होंगे डुअल मॉनिटर सेटअप्स को लेकर। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि अगर आप लोग अपने पीसी के साथ दो मॉनिटर्स लगा रहे हो तो क्या उन दोनों में काम करने के लिए आप लोगों को अलग अलग कीबोर्ड माउस चाहिए होंगे? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपके पीसी के साथ एक ही कीबोर्ड और माउस अटैच होना चाहिए और आप उन्हीं दोनों से दोनों मॉनिटर्स के अंदर काम कर सकोगे, सेपरेट कीबोर्ड माउस की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट डाउट लोगों के मन में ये होता है कि अगर उनके पीसी के अंदर एक जीपीयू लगा हुआ है, ग्राफिक्स कार्ड लगा हुआ है, तो क्या वो एक मॉनिटर को अपने जीपीयू के अंदर और दूसरे मॉनिटर को अपने मदरबोर्ड के अंदर दिए हुए आउटपुट स्लॉट्स के अंदर लगा सकते हैं, जैसे कि HDMI या फिर VGA स्लॉट के अंदर जो कि मदरबोर्ड के ऊपर हो? तो ये चीज बिल्कुल पॉसिबल है, बट सिर्फ तभी जब आप लोगों के पास एक एपीयू के साथ एक जीपीयू लगा हुआ है। लेट्स सपोज आप लोगों के पास AMD Ryzen 3400G एपीयू है और उसके साथ साथ आप लोगों ने RTX 2060 सुपर भी लगा रखा है, तब उस केस में आप लोग मदरबोर्ड के डिस्प्ले पोर्ट्स और उसके साथ साथ अपने जीपीयू के डिस्प्ले पोर्ट्स भी यूज कर सकते हो डुअल मॉनिटर या फिर मल्टीपल मॉनिटर सेटअप करने के लिए। बाय डिफॉल्ट ये ऑप्शन ऑफ होता है, आप लोगों को बायोस के अंदर जाकर इसको कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, ऑन करना पड़ेगा, बट फिर भी कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आप लोगों को बहुत इजीली YouTube के ऊपर ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे। बट सैडली अगर आप लोगों के पास एक CPU और GPU का कॉम्बिनेशन है तो आप लोग अपने मदरबोर्ड के अंदर दिए गए डिस्प्ले पोर्ट्स को यूज नहीं कर सकते हो, फिर चाहे वो VGA पोर्ट हो, HDMI पोर्ट हो या फिर कोई और पोर्ट हो। एक और यूज केस जो आजकल के टाइम पर बहुत वैलिड हो सकता है वो है वर्क फ्रॉम होम। अगर आप लोग भी वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो तो आपको पता होगा कि वीडियो कॉल मीटिंग्स के टाइम पर आप लोगों को अक्सर प्रेजेंटेशन देनी पड़ती है जब आप लोग अपनी स्क्रीन शेयर करते हो, तो अपनी स्क्रीन शेयर करते टाइम आप लोगों को गूगल मीट या फिर जूम को मिनिमाइज करना पड़ता है सो दैट आप लोग जो दिखाना चाहते हो बाकी लोगों को आप उस पर काम कर सको। बट अगर आप लोग बस एक डुअल मॉनिटर सेटअप है तो आप एक स्क्रीन के ऊपर गूगल मीट की कॉल खोल सकते हो और दूसरे मॉनिटर के ऊपर आप जो भी स्क्रीन शेयर कर रहे हो, सपोज कोई प्रेजेंटेशन दे रहे हो, कोई पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है, तो आप उसको खोल सकते हो, तो वो चीज भी बिल्कुल आसानी से हो जाएगी। आप लोग इस चीज का ध्यान रख सकोगे कि जो आपके मीटिंग के पार्टिसिपेंट्स हैं वो सही से आप लोगों की स्क्रीन शेयरिंग देख पा भी रहे हैं या फिर नहीं। सो दिस इज इट गाइस, आई थिंक डुअल मॉनिटर के बारे में जितने भी डाउट्स थे वो सब मैंने इस वीडियो के अंदर क्लियर कर दिए होंगे। मैं जो जो सिनेरियो सोच पा रहा था मैंने सारे कवर कर दिए इस वीडियो के अंदर, बट फिर भी अगर मुझसे कुछ छूट गया तो डेफिनेटली कमेंट करना मत भूलना, सो दैट बाकी लोगों की भी हेल्प हो जाए। ऐसा कंटेंट और देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए एडियोस।